वैन ट्रक से टकराई, लगभग एक दर्जन स्कूल बच्चे घायल हो गए। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस थाना पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही में सामने आई है। स्कूली वैन में लगभग दो दर्जन स्कूली बच्चे ठूस ठूस कर भरे हुए थे। घटना के बाद कस्बा में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद मैनपुरी कस्बा भुगाव के बस स्टैंड चौराहे पर स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन ट्रक से टकराई, लगभग एक दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। वैन में लगभग दो दर्जन बच्चे ठूस कर भरे हुए थे। डॉक्टर बीएस वर्मा मेमोरियल पब्लिक स्कूल की वैन बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर भुगाव एसएस पीलवान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर बच्चों के परिजनों में भी हड़कंप मच गया। परिजन अपने बच्चों के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बदहवास हालत में रोते बिलखते घटनास्थल की दौर दौड़ पड़े। स्कूली वैन में लगभग दो दर्जन बच्चों के ठूस कर भरे होने से स्कूल प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई है। घटना को लेकर कस्बा में कोहराम मचा। हमारा नाम प्रदीप कुमार। क्या वारदात हुई है आज? एक्सीडेंट हुआ है। किससे? ट्रक से। और ओमनी में बच्चे थे क्या? हाँ, 12-13 बच्चे थे। कौन से स्कूल के बच्चे थे? डॉक्टर भीम एस वर्मा। कहाँ पे स्कूल है? ये भोगाव से ऊंचे टीला पर। कुछ बच्चे सीरियस हैं? क्या हुआ बच्चे? बच्चे सीरियस हैं। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये चौराहे पर। और कितने आप लेके आए बच्चों को स्वयं? हाँ, स्वयं बच्चे लेके आए। मैम, जो भोगाव में अभी एक्सीडेंट हुआ है, जो बच्चे अभी एक्सीडेंट हुए हैं मारुति वैन और ट्रक का, कितने बच्चे आए हैं इमरजेंसी में? मेरे पास अभी तक चार बच्चे आए हैं, जिसमें से एक बच्चा थोड़ा सीरियस है, जिसके अंदरूनी चोट है, जिसको हमने सेफली रेफर कर दिया है। बाकी तीन बच्चे अंडर कंट्रोल है, खतरे से बाहर है, वो हमारे पास।